जब भी कनाडा आना होता है या मतलब यूएस या किसी भी बाहर के देश में जाना होता है हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमें पता हो कि हम जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं वो अच्छा है कि नहीं है और उसी लिए हमने बनाई है ऑनेस्ट कॉलेज रिव्यूज तो पिछले जितने भी बनाए उसमें काफी अच्छे रिव्यूज आए हैं इसलिए आज हम कर रहे हैं एक बहुत ही फेमस कॉलेज जो कि मतलब मेरा रील भी काफी अच्छा चला शॉर्ट आई मीन

ये लोग ट्वेल्फल भी एक्सेप्ट करते हैं जिसके लिए मिनिमम मार्क्स है एटी एट अब जब बात करते हैं आइल्स की या ट्वेल्फल्फ मैंने दी नहीं बट आइल्स के बारे में एक चीज तो कह सकता हूँ कि मैंने सिर्फ तीन दिन में पढ़ के साढ़े सात बैंड लाए थे और मैं जानता हूं कि बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं आइल्स के साथ तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं एक आइल्स पर एक वीडियो बनाऊ की अच्छे नंबर जल्दी कैसे आ सकते हैं महीनों सेंटर्स ना जाके तो अगर ये वीडियो हंड्रेड लाइक्स क्रॉस करेगी तो वो वीडियो भी मैं बनाऊंगा बहुत जल्द अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट दैट इज रैंकिंग रैंकिंग जाना जरूरी क्यों है रैंकिंग बेसिकली आपको यह समझाता है कि आप जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जा रहे हो उसकी क्वालिटी क्या है मतलब फैकल्टी एजुकेशन आफ्टर आ, मतलब आफ्टर कोर्स जॉब का उस सबको मिला के बनती है रैंकिंग

कॉनेस्टोगा में एक वाइड ओवर 200 हंड्रेड तो यहाँ पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज तो नहीं मिलेगी आपको अंडर डिप्लोमा सर्टिफिकेट डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे इनके कुछ कोर्सेस है जैसे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वेब डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड बहुत सारे कोर्सेस है जब हम बात करते हैं की, तो कॉनेस्टोग ऑफर्स मोर देन सेवेंटी प्रोग्राम्स यहाँ पे एक्चुअल में कोऑप है बट ये कोअप जो है ये ऑप्शनल है या मैंडेटरी है ये डिपेंड करता है कोर्स टू कोर्स और आप इनकी वेबसाइट इनका एक अलग से पोर्टल है कोअप के लिए वहां जाके आप जॉब पोस्टिंग्स देख सकते हो जिसमें मतलब वेज वगैरह कितनी है और बाय द वे सारी कोअप पेड नहीं होती है कुछ अनपेड भी होती है जो कि एक्सपीरियंस के लिए करना पड़ता है तो वो सारी डिटेल्स आप वहां पर जाके देख सकते हो एंड जस्ट फॉर द फैक्ट कि की का इतना कुछ ऑफर करता है इसलिए इनकी वेबसाइट पर खुद को एज ए लीडर ऑफ पॉलिटेक्निक एजुकेशन भी मानते हैं अब आते हैं मेन मुद्दे पे दैट इज द फीस फीस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना क्योंकि भैया एक्सल की फीस देके आना पड़ता है आजकल को मिनिमम रिक्वायरमेंट हो गया ताकि आप एस डी में आ सको बट हम जब बात करते हैं कॉनिस्टबल की फीस की इट रेंजेस फ्राम एनी वेर बिटवीन फोर्टीन थाउजेंड कनेडियन डॉलर टू ट्वेंटी एट थाउजेंड कनेडियन डॉलर फॉर द इंटायर कोर्स और ये ज्यादातर सर्टिफिकेट या मतलब ही होंगे अगर आप पीजी करोगे और अंडर ग्रेजुएट डिग्री करोगे थोड़ा महंगा भी हो सकता है बट जैसे अगर आपने मेरी योकपल वाली वीडियो देखी होगी वहां मैंने इसको पूरा तोड़ा था सिस्टम को कैसे फीस डिसाइड होती है तो उसके लिए आपको क्या जानना पड़ेगा कि दो तरह की फीस है में दैट इज डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल व्हेन वी टॉक अबाउट डोमेस्टिक डोमेस्टिक इज वेरी चीप और इंटरनेशनल कम से कम उसका थ्री टू तो फोर टाइम्स होता है जैसे कॉनेस्टोगा में एक डोमेस्टिक स्टूडेंट की पर क्रेडिट फीस होती है अराउंड सिक्सटी डॉलर्स और वहीं पर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट की फीस होती है टू हंड्रेड ट्वेंटी नाइन डॉलर्स पर क्रेडिट और डिप्लोमा करने के लिए डिग्री करने के लिए आपको 120 चाहिए होता है सर्टिफिकेट करने के लिए भी सर्टेन अमाउंट चाहिए होता है तो जितना भी आपका पर क्रेडिट कॉस्ट है अगर आप उसको द अमाउंट ऑफ क्रेडिट नीड अगर आप उसे मल्टीप्लाई कर लो तो आपको आपकी फीस का पता चल जाएगा आई नो ये फीस काफी हैवी है तो इसीलिए का जो है आपको फोर हंड्रेड एंड स्कॉलरशिप भी देता है मतलब एक सारे नहीं देता आप कोर्स जिसके लिए आप क्वालिफाई करते हो आप उसे चूज कर सकते हो और वो आपको फीस पे करने में हेल्प भी कर सकता है अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑलवेज बिलीव की पार्ट टाइम जॉब ज़्यादा वे टू गो अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हो तो आप अपनी फीस की काफी हेल्प कर सकते हो उसी के लिए कॉनेस्टोगा का एक अपना जॉब पोर्टल भी है जहां आप जाके सारी पार्ट टाइम जॉब्स ब्राउज कर सकते हो जो कि अवेलेबल है और आपको ऑन कैंपस भी काम मिल सकता है अब हम सर्टन कॉलेज की बात करेंगे तो आप देखोगे वीडियो में एक नया एलिमेंट आएगा एक नया फैक्टर आएगा दैट इज हाउसिंग ये हर यूनिवर्सिटी या कॉलेज प्रोवाइड नहीं करता बट काफी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस प्रोवाइड हाउसिंग तो जैसे कि कॉनेस्टो का डस्ट प्रोवाइड यू विद हाउसिंग जो कि एक मॉडर्न सेल अपार्टमेंट जैसा होता है जहां पे मतलब फ्रिज टीवी वगैरह सब कुछ होता है तो एक नॉर्मल अपार्टमेंट जैसा है जो कि अवेलेबल है ओनली ऑन डून एंड केम्ब्रिज कैंपस अब माइंड यू ये थोड़े एक्सपेंसिव हो सकते हैं कंपेयर टू अगर आप बाहर करते हो बट तो आपको यहाँ पे फायदा ये कि अगर आप ऑन कैंपस रहते हो तो क्लासों वगैरह के लिए लेट नहीं होगे गए ऑन कैंपस जॉब मिलने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं क्योंकि आपकी अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी तो बहुत चीजों को दिमाग में रख के ये भी आपके पास एक ऑप्शन बन जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए अपना टाइम अच्छे से बिताने के लिए कॉलेज में अगर आपने भी बचपन में देखी होंगी जैसे मूवीज में ऐसे क्लब्स होते हैं चेलिंग क्लब चेस क्लब वगैरह वगैरह तो यहाँ के कॉलेज में भी होता है जैसे कि इस कॉलेज में भी वराइटीज ऑफ क्लब्स एंड लाइक वर्कशॉप्स वगैरह होती हैं जो आप सीएसआई की वेबसाइट पर जाके ब्राउज कर सकते हो ज्वाइन कर सकते हो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप इनफ मेंबर्स कर पाओ तो आप खुद का भी एक क्लब शुरू कर सकते हो उसके लिए आपको फंडिंग भी मिल सकती है

तो इसी के साथ अब आते मेरे वर्डिक्ट पे जब हम लोग इन कॉलेजेस के बारे में रिसर्च करते हैं वीडियो बनाते हैं तो हम इनको सब कुछ देखते हैं कि इनके असाइनमेंट्स कैसे हैं सब कुछ वगैरह तो इनको हम एक डिफिकल्टी रेटिंग देते हैं तो इसी के साथ जो हमारा रिसर्च कहता है हम बोलते हैं कि कॉनेस्टोगा अ डिफिकल्टी रेटिंग ऑफ 6.5 आउट ऑफ 10 सो दिस कॉलेज इज फेयरली टफ अच्छा कॉलेज है अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर लेते हो असाइनमेंट वगैरह थोड़ा बहुत कर लेते हो तो आप आराम से इसमें से पास होकर निकल सकते हो और उसके अलावा एज सुन एज बीड टू थाउजेंड सब्सक्राइबर्स हम एक बहुत ही नई चीज और बढ़िया चीज लाने वाले हैं दैट विल इंक्लूड वन ऑन वन मेंटरशिप सो स्टेट फॉर दैट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई होप यू गैस लाइक दिस वीडियो एंड सी इन द नेक्स्ट वन टिल देन लाइक